टाइम हो रहा है 6:15 और मुझे बिल्कुल अभी अभी पता लगा कि मेरा कल शो है और मैं सो रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा शो भी है। आज है संडे और मेरी शर्ट मुझे मिल गई है, मैं ढूंढ रहा था इसको। और अब हम जाएंगे शो के अंदर क्योंकि शो हमारा कभी ना कभी तो ख़त्म होगा, क्योंकि मैं जीता था इस बार तो मुझे नेक्स्ट सीजन में दोबारा होना था। जब बंदा हार जाता है तो उसका कुछ नहीं पता होता कि वो नेक्स्ट सीजन में है या नहीं है, लेकिन जब वो जीतता है तो वो हमेशा टीम में रहता है और परफॉर्म करता रहता है अपनी टीम के लिए। मेरी टीम है टीम इंस्टाग्राम पर, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर ही रहे तो मुझे टीम को भी कर दें। तो बाकी अब हम जाएंगे शो के अंदर, हमारे साथ है एक अदद एटीट्यूड हुआ है और एक अदद हमारी गाड़ी और एक अदद मैं। तो अब हम जाएंगे अपने शो में, 15-20 मिनट रहेगा शो में जाने के लिए। और अभी इसमें मुझे नहाना भी है और धोना भी है और फिर कपड़े भी पहनने हैं, फिर उसके बाद जाना भी है, पहुँचना भी है, फिर शो भी करना है। तो बाप बाय, इतनी बातें इधर कर लूँगा तो वहाँ जाके क्या करूँगा। टाइम हो गया 6:41 और 10 मिनट रह गए शो में जाने के लिए और 10 मिनट में देखता हूँ मैं घर से पहुंच पाता हूँ नहीं पहुंच पाता हूँ। फरिया बाय। अरे तुम्हें पता था मेरा शो है? झूठ नहीं पता था ना? तो सही है, चलो आ जाओ आ जाओ बाय। यार ये खोल के रखा होगा, गंदा ठूकाऊंगा इसके, देखा आप लोगों ने। बहुत लेट हो गया, झूठ भगाओ। ओ आराम से आराम से, बस देख के भगाना, कहीं तुम्हें दिखता भी नहीं है, पता है? चार दफा दिखता है मुझे, चार दफा दिखता है। तो इसको उड़ा सकते हो गाड़ी को? यानी वो बिल्डिंग है ना? हाँ वो बिल्डिंग है, बाहर भी दिख रही है मुझे वो बिल्डिंग, बाहर भी दिख रही है। आगे बिल्डिंग क्या है, क्या है वो भी दिख रहा है मुझे, कितनी नजर तेज है माशाल्लाह। माशाल्लाह दबी चश्मे लगाए हुए, 2-2, 10-10 चश्मे लगाए हुए, बोले माशाल्लाह। भाई यार बस एक 10 मिनट रहेगा और मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाऊँ। शुक्र है टूटू भाई को कुछ ख्याल तो आया, अच्छा इंसान है टूटू भाई भी। देखो अम्मा दुआ दे टूटू भाई को ताकि साइलेंट बॉय हो जाए, अम्मा ये अब और देगा आपको, अब इसको दुआ दे। ओह माय गॉड, तो खैर माशाल्लाह माशाल्लाह। आंटी इसने आपको सभी दे दिया, अब आगे किसी को भी नहीं देगा, ये दुआ दिएगा कि एटीट्यूड बॉय को साइलेंट बॉय बना दे बस। बड़ी जल्दी तुमने पहुंचा दिया, इतने पसीने क्यों आ रहे भाई? फिक्स 7 बजे तुमने पहुंचाया है, मुझे पता है। क्या बात है एटीट्यूड बॉय की, तो भाई एंड कर दिया एटीट्यूड बॉय ने, इसका मतलब प्रूव हो गया कि एटीट्यूड बॉय को जो टाइम दो उसी टाइम पे एटीट्यूड बॉय आपको जगह पे मिलते हैं और जहाँ आप बोलोगे वहाँ आपको पहुँचा देते हैं। थैंक यू। अब जाएंगे अंदर बोल और देखते हैं क्या हो रहा है और कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। डायरेक्ट भाग भाग के इधर आ गया हूँ। ओ भाई साहब पहले क्या आए भाई? अभी आए। मुबारक हो आपको, वही टीम मिली है भाई, मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और ये न्यू सीजन स्टार्ट हो गया, न्यू सीजन स्टार्ट है। ये मेरी टीम, ये बासित गया, बासित कल पर तो आ जाएगा, उसी जगह मार दे भाई। वेलकम सबके साथ ले रहा हूँ, एक एक करके हमें जल्दी जल्दी बुलाया। क्या बोलो अमीर भाई इन लोगों ने, आ जाओ शो स्टार्ट हो गई, सारे बैठे कोई खाना खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई गाना याद कर रहा है, हमें जल्दी बुला दिया। अच्छा भले खाने भी नहीं दिया, खाना खाना खा रहे थे कैसे। और ये है माइंड, किसको मिस कर रही है? बोल दे दानिश भाई ने आज मुझे गाड़ी में बंद कर दिया यार, दानिश भाई ने गाड़ी में बंद कर दिया, बोलने बाहर नहीं आओ जब तक, अब तुम गाड़ी में बैठे रहोगे। वो देखो क्योंकि मैं गाड़ी में पहले बैठ गया था तो दानिश भाई ने बोला तुम गाड़ी से बाहर निकलोगे नहीं, लॉक कर दिया। लेकिन मैं खोल सकता हूँ, लेकिन खिड़की तो खुला ही छोड़ गया, भाग सकता हूँ यहाँ से बाहर लेकिन मैं नहीं भाग सकता क्योंकि दानिश भाई ने बोला तुम बाहर नहीं आओगे, बाहर आओगे तो माइनस कर दूंगा। बंद कर दिया बांसुरी। और अब मैं सो रहा हूँ गाड़ी के अंदर यार, बहुत थक गया, मुझे बाहर निकलने नहीं दे रहा यार। दानिश भाई मुझे बात बात कर रहे हैं। ये लोग सब मुझे देख देख के हंस रहे हैं यार, मैं सो रहा हूँ। अभी गेम शो खत्म हो गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि, और मुझे गाड़ी से बाहर भी निकाल दिया, मैं सोच रहा हूँ कि दानिया को बनाते हैं होस्ट
और मैं कटेरे में खड़ा हूँ। दानिया मुझसे चंद सवाल पूछेगी, एक दो तीन, देखते क्या सवाल पूछती है और मैं क्या जवाब देता हूँ। yes. तो, क्या सवाल पूछने वाले खड़े हुए कचगेरे में और हम कचगेरे में खड़े हुए, आप सवाल पूछेंगे। माज सबसे पहला सवाल आपका लिए ये है, क्या आप कटेरे में आए कैसे? क्या आप आए कैसे? ये चल के आए आप या भाग के आए आप? अच्छा ये सवाल था कि चल के आए कैसे आप? मैं ऐसे आया, ये इसका जवाब आपको देना कि ये चलने का था या भागने का? ये आप ऑडियंस बताइए, आप चल के दे दिया भाई कि मैं इस तरह आया था। अब ऑडियंस बताइए चल के आए या भाग के आए। नेक्स्ट सवाल आप ये बताएं कि कटघेरा बना हुआ किस चीज का है? अरे क्या सवाल पूछ लिया, ये कटघेरा बना हुआ है पेड़ से। पेड़ की? ओ तीसरा आपसे मेरा सवाल ये है कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है गेम शो में, मतलब जो आपका सपोर्ट भी करता हो, आपका दोस्त हो? कटेरे को बंद कर दे, अच्छा नहीं बता रहा हूँ, जो कैमरा पकड़ी हुई है वही तो तुझे मेरी दोस्त है। मेरे जीतने में भी यही खुश हुई थी। तो कटेरा अब बंदी जवाब दिया था आपको, तीन सवाल की आपको मैंने दी थी, क्या बोलते हक दिया था कि आप मुझसे तीन सवाल पूछ सके। बिल्कुल बिल्कुल, और तीनों सवाल के जवाब, तीनों सवाल के जवाब, दो जवाब आप लोग को देने और एक का मैंने दे दिया। बहुत आलो लारे, क्या बोल रहे हो, क्या करूं? बहुत रश है, वो बोल रहे हैं कि अभी रुक जाओ थोड़ा वेट करके जाओ अपने घर, इसलिए बोल रहा हूं कि पहले बैठ जाओ। तुम कब से यहां बैठे हो? मतलब 10-15 मिनट होगा। ये मेरी करीम आ, तो फिर मतलब बाहर नहीं जाए, घर नहीं जाएगी आज? तो फिर मास्क को लेके जाओ, मास्क को लेके जाओ, बोलो गेट पे बैठा, मास्क को मतलब बिठाओ ना भाई, मैं मास्क तोड़ी हूं कोई। अच्छा आपने, अच्छा ओके ओके सॉरी, गलती हो गई। चल हम लोग चलते, देख कर आते बाहर। ओके भाई सच में आज तो बाहर बहुत रश है भाई, आराम से आराम से। अबे इतना रश क्यों है यार, आज तो फाइनल भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा हूं हो तो भाई, सबके साथ पिक्चर होगा ये, फिर भी ले रहे बार बार, पता नहीं भाई। क्यों बनाओगे तो आराम सबके साथ देखे करके हो जाएगी, लेकिन आप लोग क्यों नहीं बना रहे, क्या करे सबको तो देखो। वाह भाई आज किसके साथ आयो भाई? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्त के साथ आयो, दोस्त को दिखाऊं नहीं दिखाऊं? दोस्त को एलर्जी है कैमरे से, तो भाई एडिटर भाई बोले दोस्त को कैमरे से एलर्जी है, तो दोस्त को नहीं लो मेरे। लेकिन फाइनली भाई इतने रश में मैं बैठ गया हूँ अंदर, प्यार करने वाले बहुत है मुझे पता है, लेकिन इस तरह चुपक चुपक के ना पता ही हूँ, क्योंकि अभी वायरस चल रहा है तो इस तरह नहीं होता, इससे हमारा भी नुकसान है और आप लोग का भी नुकसान है। तो एक एक करके पिक्चर लेने में मसला नहीं है, मैं लूंगा, हाजिर हूँ। बाकी चलते हैं घर और विक्ट्री, थैंक यू इंस्टाग्राम ऑलवेज, बाकी यूट्यूब भी ऑलवेज, और जो जो प्लेटफॉर्म है सारे अपने ही है यार, मेहनत करो कामयाब हो। क्यों भाई सही बोल रहे हो? बिल्कुल सही, आप जीतोगे ये सीजन भी, आप जीतोगे। पक्का मैं देखने आऊंगा तो आप जीतोगे। अगर तुम देखने नहीं आओगे तो ये क्या है, ये कौन सा इशारा है? हाफ मतलब फिर हाफ कढ़ाई खा, बाजी इधर से उधर हो सकती है। अगर तुम देखोगे तो नहीं, अगर मैं देखूंगा तो एक ही तरफ रहेगी। सही है, और अगर नहीं देखोगे तो? नहीं देखूंगा तो इधर से उधर जा सकती है, कभी जा सकती है बाजी। तो ओके, A few moments later. ये एक मेरे बहुत ही मोहतरम अजीज फैन ने दिया है, वो यहाँ पर आके बैठे हुए थे, कम से कम 9:30 आके बैठे हुए, घर पे आया हूँ 11 बजे, और इन्होंने मेरे लिए केक दिया है, हैप्पी बर्थडे माँ सफदर, और एक शावरमा, क्योंकि मेरा फेवरेट शावरमा है, और मुझे बोल रहे थे कि मैकडोनल्ड्स नहीं मिला, तो खैर हो गई मैकडोनल्ड्स नहीं मिला, इतना भी मेरे लिए बहुत है, थैंक यू सो मच दिल से, इतने प्यारे प्यारे फैंस माशाल्लाह, थैंक यू। एक बात और, मॉम दिख रही है आपको, ये मॉम ने क्या किया पता, मेरे पास एक केक और आया हुआ था, वो था लारिब की तरफ से, उसकी तरफ से केक आया था, मॉम ने क्या किया पता, मैंने बोला था मॉम संभाल के रखना, मैं इसको कल व्लॉग में लूंगा, मॉम ने क्या किया, क्या किया बता रहा, क्या किया? संभाल के रखा, अभी मैंने भेजा है केक, बहुत सारे केक हो गए थे मास्क तुम्हारे। मॉम ने वो केक चौकीदार को दे दिया है, चलो कोई नहीं, मैं मॉम को यही बोल रहा हूँ कि शायद मेरे रिस्क में नहीं लिखा होगा कि चौकीदार के रिस्क में लिखा होगा। हमने खाया है, आपने खा के दे दिया, बस यही कि मेरे लिए नहीं बचा और व्लॉग में भी नहीं आ सका लारे, तो सॉरी, लेकिन आपकी तरफ आपने भी भेजा केक, तो थैंक यू सो मच प्लीज। बाकी इस व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मॉम सब्सक्राइब करें, और बहुत सारा प्यार और माजरत के एक केक नहीं ले सके, और मुझे भी खाना, तो मम जल्दी मुझे खाना दे, मम ने बनाई बिरयानी।
नाइस। मम्मी जानी बहुत अच्छी बनाती है मेरी। बाय। Oh, 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 oh